नगांती जी, तुलसी मैया को देखना धुआं ना लगे। इधर देख सकते हैं मम्मी और माने आप क्या चाह रही हैं? आपके मम्मी रात साइकिल दोनों यहीं पर रहा। जिस काम के लिए हम लोग आपको बनाए हैं उस काम पे सब देख सकते हैं। एक काम। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह का अभी 5 बज रहा है और सुबह सुबह अभी हम लोग जग चुके हैं। अभी क्या क्या घरों में काम करेंगे, पहले वाला ब्लॉग में देखे थे कितने रात तक जग के अपना वो बना रहे थे मशीन, और फिर 1-2 घंटा सो के अपना 5 बजे जग गए और सुबह सुबह हम नगांती जग गए हैं। फिर घर में ढेर सारा काम करना है, सजावट करना है, और जो मैं टारगेट बनाया हूँ तो उसको मैं सक्सेस करके दिखाऊंगा, इसी ब्लॉग में दिख जाएगा आपको। और बाकी जो मशीन बनाना है, मशीन तो बन के रेडी हो चुका है, बस केवल चालू करके आपको चेक कराना है कार्बन डाल के, वो सब इस ब्लॉग में दिख जाएगा। तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखें हम लोग, और आप लोग अपना आशीर्वाद जरूर हम लोग के ऊपर बनाइएगा। भगवान जी से प्रार्थना है हमारा यूट्यूब फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे अपने अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो इधर देख सकते हैं अभी कितना बड़ा बड़ा तुलसी मैया का पेमझा हो गया, और आपने कमेंट में बताया था उसको हम लोग ध्यान रखेंगे सिस्टर। तो नगांती जी को भी बता दूंगा, अभी नगांती जी देख रही हैं कहाँ कर रही है। ए थोड़ा पेड़ नहवा दीजिए, हैं थोड़ा और मार दीजिए, ये पत्ता सूखा सूखा ऊपर से। अपने पौधों लगाए हुए हरी मिर्च पे, फरहरी पे, मक्का पे, आम के पेड़ पे खुल गया, पहले मैं अभी जोड़ के आता हूँ, ठीक है। थोड़ा भी पाइप होता है ना तो खुल जाता है, मुड़ जाता है, इसीलिए हम लोग बांधते नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ से जोड़ सकते हैं, यानी तो फिर कहीं मोटर के पास खुलेगा तो मोटर में पानी जाने का डर रहेगा, चलिए इसको बांध देते हैं। ए रास्ता रास्ता ज़्यादा ना, उधर से मारा करिए, ठीक है। ये जो रास्ता बना है तो इधर से मारा करिएगा ना, उधर खड़ा होके देखिए, फिर पाइप ना मुड़े, उधर रास्ता खींच कर बच्चे अभी जगेंगे। चलिए कोई नहीं, वो भी सूख जाएगा। हाँ थोड़ा उधर भी चलिए, देखिए फिर पाइप मुड़ेगा, खींचिए एक बाइक कस के। हाँ ऐसे, और वो जो गड्ढा बनाया है दोस्तों वहाँ देख सकते हैं अभी घास भर गया, इसमें भी घास रख देंगे, जो भी घास गढ़ रहे हैं ना तो उसके नीचे रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, घास सड़ेगा तो मिट्टी का भी सही रहता है ना जी, और हमारा बराबर भी हो जाएगा, उसी हिसाब से उसको बनाए हैं। तो अब क्या करना है हमें, फिर खुल गया, वहीं पर खुल गया होगा, तार से बांधना पड़ेगा, नहीं लाइट है। लिए अभी नगांती जी घर आंगन साफ सफाई करेंगी, जब तक मैं ये जो रात को मशीन बना दिया था दोस्तों, इनके मैं लाइट जलाऊं, पूरा कंप्लीट करके फिट कर दिया हूं, बस कार्बन इसमें डालना है, तो कार्बन डाल के इसको रेडी करके चालू करके इसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा किस तरीके का चल रहा है, आवाज़ कैसा है, कार्बन का सीट की जगह कितना चिंगारी बना रहा है, यानी चिंगारी से पता चलता है हमारा मशीन एकदम मस्त बना है। तो चलिए उसको कुछ ही देर में बनाएंगे, अभी कार्बन डालेंगे केवल। तो कल कमेंट में आ रहा था कि नगांती जी और सुनील जी, कोई भी काम आप लोग सक्सेस कर दो उसके बाद वीडियो में बताया करो। तो दोस्तों पहले हम बताएंगे कि हम ये काम करने के लिए बीघा उठाए हैं, इनकी जो पलंग है 60-65 हज़ार की है, जो पसंद कर रही हैं, तो उस हिसाब से मैं उसी तरीके को मैं बनाऊँगा, उसको फ़ोटो खींच के मैंने ले आया है, बस हमें उसके लिए व्यवस्था बनाना है, तो उसके लिए तो मशीन तो बना ही दिया हूँ, और बाकी उस प्रोजेक्ट को कब तक मैं सही कर पाता हूँ उसके लिए देख सकते हैं, परमिशन भी मिल चुका है, ये सारा व्यवस्था है, आपसे वीडियो में बताएंगे नहीं, बाकी ये सब है, सब पूछ लिया हूँ कि कोई भी जैसे टहनी काटना हो तो जैसे झाड़ने वाला, हमें कितना ज़्यादा मोटा तो चाहिए नहीं, है कि नहीं, टहनी पहले वाला ब्लॉग में भी बताया था काम मिलने वाला, क्योंकि बारिश का जब बारिश पड़ा है ना, आपको रुके बैक कैमरा से दिखाऊँ, ये देखिए ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, तो हमारे बिहार सरकार के तरफ से यानी जो ऑफर आता है कि इसको अपना हल्का कराओ पेड़ को, क्योंकि आंधी तूफान आएगा तो फिर गिरने का डर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको पैसा भी मिलता है, वो लकड़ी हम लेके आते भी हैं, तो उसके छोटा छोटा बना के जैसे 2-2 फुट का ना जी,
उसमें इसी डिजाइन का उस फार्मा को बनाएगा मशीन फिट करके, उसमें डालो और बताए थे ईंट बराबर भी निकलेगा तो उसको तो सब तो कल बता ही दिए थे वीडियो में, बार बार वही नहीं बताऊंगा, लेकिन उस काम को मैं सक्सेस करूंगा, विश्वास रखिए मेरे पे। आज वो देख के आप लोग को बहुत इंजॉय लगेगा, बहुत तरीके का बनेगा मशीन और उससे बहुत काम निकलेगा ना जी। सबसे पहला टारगेट इनका 60,000 का पलंग को मैं कम से कम 80,000 के डिजाइन का बनाऊंगा, और भी अपने तरीके का, इतना मजबूत कि नगांती जी तो सोच में भी पड़ जाएगी कि सुनी मेरा पति देव ने क्या क्या मेरे लिए बनाया है। और एक कमी रहेगा ना जी, कहावत नहीं है, अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता तो कदमों का तो छोड़ दो, कदम पे क्यों सितारे सजाते खुशियों भरा। रात को मैं कितना प्यारा भजन सुन सुन के मशीन को मैंने बना दिया है, और अभी उसको चला के चेक करेंगे, देखिए कितना आप लोग से और बच्चे से प्यार करता हूँ। उस मशीन को मैंने वीडियो एंड कर दिया, हमारा यूट्यूब फैमिली कैसा समझेगी, मशीन चालू करने का हिम्मत नहीं होगा, एक बाइक आवाज़ करता, क्योंकि नया मशीन जब चालू करेंगे ना ज़्यादा एक बाइक तेज़ आवाज़ करेगा, फिर बेशक स्लो हो जाएगा लेकिन आप लोग का नींद खुल जाता। तो मैंने उसको चेक नहीं किया, वीडियो एंड कर दिया, बहुत लंबा बन गया था, तो अभी देखिए उसके लिए कमेंट आएगा, लेकिन इसीलिए ये ब्लॉग तुरंत अभी हमें उस मशीन को चालू करके चेक करके उस ब्लॉग को डालने के बाद एक दो घंटे के बाद फिर ये ब्लॉग डाल देंगे। पूरे रात साइकिल दोनों यहीं पर रहा, तो आज मेरे मन में एक आइडिया आया है, अभी हम और मिथुन जाएंगे, थोड़ा कहीं काम है, दिखेगा आपको वीडियो में किस काम के लिए जा रहे हैं। तो उधर से ना एक सीकड़ खरीद के लाऊंगा पतला वाला, तो ये स्टैंड तो बनाई दिए हैं ना जी, तो इसमें लगा के पेड़ में करके ताला लॉक कर देंगे, तो कोई थोड़ा सेफ्टी रहेगा ना, है कि नहीं। अब बाकी यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उजाला रहता चारों बगल दोस्तों। ए लाइट ऑफ करिए ना गांधी जी, दिन हो गया। रेंगनी पे जब कपड़ा सूखेगा नगान हमारा ना जी, अलग एक लुक होगा, देख सकते कितना बेस्ट लग रहा है। आने जाने वाले लोग कह रहे हैं हाँ ये सही रेंगनी बांधे हो, अभी कोई चीज़ की जैसे ना इधर बांधते थे तो हवा बहुत ना इधर से हवा तेज से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पसारने में बहुत दिक्कत होता है, देख सकते कितने बार इन गिरते गिरते बची है, लेकिन अभी वो सही जगह बांधे ना जी। तो अभी भगवान के लिए परमिशन मिल गया है, आपको क्या कहना है, कुछ कहना है तो अपने तरीके से YouTube फैमिली से अपने भी वीडियो में पूछ के और भी कौन सी पेड़ लगा सकते हैं जो फायदेमंद हो बच्चों के लिए, हमारे लिए ना जी, हमारे घर आए मेहमान उनको भी अपने पेड़ों से फल तोड़ के खिलाने की मनोकामना प्राप्त हो, इच्छा पूरा हो ना जी, उस हिसाब से ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, तो आप पूछ सकते हैं अपने वीडियो में ना जी। अब मैं तो पूछ ही रहा हूँ, तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा उसी हिसाब से। जामुन का तो कहीं भी पेड़ खरीद के लाने की जरूरत नहीं इधर दुनिया भर के, लेकिन खरीद के जो लाइएगा ना, फरने वाला जो एक बहुत तरीके का जामुन होता है कि नहीं, एक दो है जामुन तो उसी को पूछ रहे हैं। हाँ कोई कोई जामुन होता है ना कि भाई साहब अंगूर और उसके जैसा, उसका कोई पहचान भी नहीं पाता और खाने में भी स्वादिष्ट है, तो आप लगाइएगा कोई पेड़ तो सही सा कि ना जी, हाँ कि उसमें का फल निकले तो खाया जाए और हमारा किसी को खिलाया भी जाए तो तारीफ करेगा हाँ क्या पेड़ लगाए हैं, तो उसी काम में मेहनत किया जाए उसको तरीके से, तो उस हिसाब से आप पेड़ लाइएगा थावे धाम से, और लाइएगा थावे धाम से ही ठीक है, क्योंकि थावे धाम से जो पेड़ लाए हैं दोस्तों, जैसे ऑटो पे लेके आई थी एक पॉइंट के लिए भी कलर नहीं बदला है, तो ये थावे मैया का कितना कृपा है कि कोई चीज़ आके खरीदी है नर्सरी से नगांती जी, तो कितने प्यार से, और ये भी सिस्टर के हेल्प से मिला था शायद, तो कितने प्यार से लगाई थी, रातों रात लिया के लगा के कम से कम दो घंटा में इसको पता ना कैसे कैसे बनाई थी, उनसे पूछ के आई थी, तो देख सकते वैसे एकदम टू कॉपी वैसी है, और जड़ तो एकदम मस्त बना है। अब उसको फाउंडेशन सी बना के मैं चाह रहा हूँ कि उस पर खूब बढ़िया, कभी टाइम मिलता है तो बना देता हूँ मिट्टी से ही मैंने थोड़ा ऊँचा तक करके, फिर अगल बगल से ना ईंट लगाई है, रस्सी बांधी है कि मैंने हवा हवा आए तो, और बाकी तो थोड़ा मोटा होगा तभी सही है, तो ये सोचा हूँ, बाकी फिलहाल अभी सही है, सही से दिख रहा है। और ये पेड़ को ढांक के इसलिए रखते हैं, कभी गलती से बकरी घुस गई तो आम के पेड़ पौधा पत्ता ज़्यादा खाती है, उसके लिए घेर दिए, नहीं तो ये आम बोले हैं कि ये जो फूल ले जाते हो ना उस तरीके के ही आपका पेड़ का आम होगा, मोजर भी फड़ेगा और आम भी फड़ेगा, तो आपके अलग ही एक लुक होगा, तो इसके लिए ये दिए हैं, अब देखते हैं कब तक फरता है, एक साल का तो टारगेट है, बाकी
चलिए जी, साफ सफाई करिए जल्दी, आप भी चलिएगा। अच्छा ठीक है, आप घर संभालिए जब तक मैं संभालना का है। थोड़ा सा सोनी बचा है उसको सो दीजिएगा ना, ठंडा मौसम है आज। तेज बोलिए। कभी कभी बैंग एकदम छोटी बच्ची जैसे मासूम सी लगती है ना गांधी जी, एकदम सुबह सुबह उदास। ये देखिए चेहरा भी एकदम लग रहा है छोटी बहन। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता है, शीला जी कहाँ से आ गई, क्योंकि दोनों बहन ना एक ही जैसे है दोस्तों। आप देखे होंगे वीडियो में, कल जो थंबनेल में लगाया था चारों बहन का एक साथ ना, जो इनकी सहेली बोली थी, तो हकीकत था दोस्तों। तो उनके कहने पे मेरे पास आइडिया आया, उनका भी देखिए सहेली का भी एक असर होता है। तो सच्चे मन से होने पर किसी का भी, बड़ो बुजुर्ग छोटे बड़ो सबका बात का ज्ञान का कुछ ना कुछ असर मतलब निकलता है, जो काम में तरक्की में मदद होता है। तो एक बात पे देखिए कितना अच्छा ज्ञान मिला, मशीन भी तैयार हो गया और वो मशीन देखते हैं कब तक तैयार होता है। और नागांती जी का जो पलंग बनेगा, एक पलंग बन गया तो फिर उस डिजाइन के और भी कुछ बनाएंगे ना जी, तो सोचे हैं उस टारगेट पे काम चल रहा है। और बाकी ऑटो के लिए तो अभी थोड़ा आप समझ सकते हैं समस्या है, क्योंकि वो पैसा का मामला है ना जी, कुछ ज़्यादा ही पैसा चाहिए, तो उसको धीरे धीरे करते हैं कोई व्यवस्था। बाकी आप लोग का अगर व्यूज द्वारा ऐसा सपोर्ट मिलते रहे तो हमारा यूट्यूब से ही आ जाएगा, जिसको का कहेंगे कि हमारा यूट्यूब फैमिली के सपोर्ट से हमें ये रोज़गार मिला है, प्राप्त हुआ है, कितना खुशी की बात है। थोड़ा प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, व्यूज के रूप में आप सपोर्ट करिए, थोड़ा 10 मिनट टाइम निकालिए, 15 मिनट हमारे लिए। अब मैंने कम HP में MB HP में मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग का MB भी कम लगेगा। तो प्लीज़ थोड़ा फुल वॉच करके, और जो प्रचार देखते हैं तो उसको भी थोड़ा देखिए। मैंने आप क्या चाह रही हैं, आपके मम्मी बहन सब देखेंगी तो इतना ऐस आपका देख के थोड़ा जलन नहीं होगा। कूद के मैंने बच्चे चढ़ के नहीं तोड़ सकते थे, आप चढ़ गए सुबह सुबह, क्या है जी। तो चलिए दोस्तों अभी निकाल के ऊपर से नीचे लेके आते हैं, जो फल है, जो फल प्राप्त हुआ है, हम लोग जो मेहनत किए हैं तो फल मिलना शुरू हो गया है। आ ढेर सारा जिसको बेचने भी जाएंगे, वो वीडियो में नागांती जी की दिखिएगा, आपको ढेर सारा हुआ है फल। तो अभी मार्केट में अपने ताज़ी ताज़ी सब्जी बेचेंगे, कितना आशीर्वाद प्राप्त होगा कि ताज़ी ताज़ी सब्जी हम अपने हाथों से बो के किसी को दो पैसा में बेच भी रहे, पैसा जो आएगा हमारे बच्चों के भविष्य में पढ़ाई में काम आएगा और हमारा भी हेल्प होगा। और ताज़ी ताज़ी सब्जी खाने की हमारे गांव की देशवासियों को कितना जी, ऐसे में तो सब बोए हैं। अब बाकी हम थोड़ा मेहनत की आप लोग का आशीर्वाद से थोड़ा ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी सिस्टर कितने भेजी हैं बिया बीज वो सब लगाए हैं, तो अभी फल प्राप्त होना शुरू हो गया है। तो चलिए अभी इसको नीचे उतारते हैं। कूदिएगा मत जी, मैं नहीं कैच कर पाऊँगा आपको। और जो शॉर्ट सॉन्ग बनाया हूँ आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। देख सकते हैं अभी आ गया फाइनली हॉस्पिटल में, इंजेक्शन ले लेते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ढेर सारा काम करना है। और डॉक्टर कल इंजेक्शन नहीं लिए थे, यानी एक दिन नागा दे के अब दे रहे हैं, तो आराम हो रहा है। आ जो दर्द रोज करता था ना असर होते ही, वो वाला सिस्टम अभी थोड़ा बंद हुआ है। तो एक दिन नागा ले के, अभी एक दिन नागा दे कर इंजेक्शन लेना है, फिर ढेर शोर से सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपना ढेर सारा काम करेंगे, तरक्की करेंगे। चलिए अभी भैया उधर से आ रहे हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे। ब्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो शायद आपका, क्योंकि जो आप लोग देखेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। हम दोनों भाई कहीं जा रहे हैं तो शायद नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और चलिए पहले इंजेक्शन लगा लेते हैं। देख सकते हैं अभी दो दो इंजेक्शन भैया लिया है सुबह सुबह। चलो उधर लगा, इधर देख सकते हैं मम्मी और बेटी का प्यार, देख सकते किस मुँह में खा रही है। पहले ना पढ़ने नहीं जाती थी तो अपने हाथों से ही खा लेती थी, देखिए कितना प्यार से अपने माँ। अच्छा नहीं यहाँ पे, यहाँ पे कितने बार मैंने देखा था, दाल चावल खा लेती हाँ एकदम। थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद थोड़ा बहुत उदास होती है पढ़ने जाने में, लेकिन फिर भी जाती है। अच्छा लगता है स्कूल में ना। अच्छा खाओ नागांती जी, तुलसी मैया को देखना धुआं ना लगे। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है जी, देख सकते हैं दोस्तों आप भी। तो आज गैस भरा जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से ना पता ना क्यों नहीं आ रहा था, हम लोग ले जाकर वहाँ दुकान पर रख दिए, तो देखते कब तक भराता है। अभी फिलहाल
वहीं पर खाना बना ले रहे हैं। अब बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। इसमें एक काम केवल बाकी है, इसमें कार्बन डालना है और चेक करना है। रात को आप लोग पहले वाला ब्लॉग में बताया था मशीन नहीं चला है क्योंकि बच्चे जग जाते हैं। चलिए अभी इसमें कार्बन डाल के शुभ शुभ हाथों से इसको चला के चेक करा के फिर वीडियो एंड करेंगे। देख सकते ये निकाल दिया कार्बन, ये वाला ग्राइंडर मशीन का और ये वाला है कटर मशीन का। चलिए इसको हल्का सा खींचना पड़ेगा क्योंकि इस साइज का नहीं है, हल्का सा ओवर हो रहा है, तो चलिए इसको रेत माल पर घिस लेते हैं। देख सकते हैं कार्बन को घिसने में कितना निकला है, इधर देख सकते एकदम मस्त साइज का कर दिया हूँ। चलिए इसको पेच लगा के चेक करके तुरंत वीडियो अब एंड करेंगे ही। फाइनली बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, अब चलिए इसको ले चलते हैं चेक करने। शुभ शुभ हाथों से नागांती जी चलाएंगी। नागांती जी इधर आइए। ये जो मशीन बनाया हूँ इसको थोड़ा आप स्विच ऑन करें तो शुभ हो जाए, कुछ नहीं होगा, ये मेरा बनाया हुआ है, मैं बहुत प्यार से बनाया हूँ, बहुत टाइम वेस्ट किया हूँ। आप चलिए हाँ, अच्छा अच्छा चलिए, डर रहे हैं का? तो खाली उठा लीजिए, शुभ करिए शुभ करिए, फिर जब ये मशीन आरा मशीन के रूप में फिट होगा ना उस टाइम पंडित जी को भी बुलाने वाले हैं हम लोग। इस पर मजाक नहीं, आरा मशीन होता है, क्या बात कर रही है। कोई भी मशीनरी बनाया जाता है उससे बहुत काम होगा ना, आपका 60-65 हज़ार का पलंग बनेगा इससे, तो वो सब दिखेगा वीडियो में। ये ऐसा एक कंटेंट है दोस्तों जो आप लोग को वादा तो नहीं कर सकते कितना दिन में सक्सेस करेंगे पलंग बना के, लेकिन इस मशीन को मैं चाहूँ तो रातों रात ही वहाँ पर फिट कर दूँ और 2-3 दिन में सेट हो जाएगा जो भी इसका बनाएंगे मसाला द्वारा। रोड़ी वोड़ी सब लगेगा ना, सरिया फरिया सब सिस्टम फिट करना पड़ेगा कि हीले डोले नहीं, क्योंकि पटरा बनाना है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलिए आपको समझ में आएगा, जब बन जाएगा सक्सेस होगा तभी नागांती जी खुश होगी, मुझे पता है। लेकिन आप लोग इस पर आशीर्वाद हमारा कमेंट द्वारा जो देते हैं वैसा देते रहिए। चलिए इसको टाइम वेस्ट किए बगैर चेक करते हैं। देख सकते हैं अभी मशीन आ चुका है, चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जय हो विश्वकर्मा बाबा, जिस काम के लिए हम लोग आपको बनाए हैं उस काम पे सफलता मिले, मैं आप लोग से भी आशीर्वाद मांगता हूँ। चलिए इसको चालू करते हैं। अभी नहीं चला जी, स्विच नहीं लगाएगा, स्विच है, देखिए स्विच है, स्विच सब सही है। स्विच चेक करें, बिल्कुल अभी चेक नहीं किए दोस्तों, कैमरा में चेक कर रहे हैं, अभी नहीं चल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ होगा कि तो कार्बन टच नहीं होगा उस पर, यानी तो कुछ ना कुछ होगा, वो भी कोई नहीं, इसको चालू करके वीडियो एंड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, स्किप करिए। देख सकते हैं वहाँ से यहाँ पर क्योंकि वो तार लोड नहीं ले रहा था ना, इसके वजह से जल 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 मिथुन बाबू का कॉल भी आ रहा है, नहीं होगा उसको, वो बुला रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, देखें कुर्सी, हाँ तो अभी ना जो यहाँ से जो ये फील्ड खरीद के लाया था इसका फील्ड मैंने दे दिया था कि इसको वायरिंग करके रख दीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि फील्ड का कमी हो रहा है इसीलिए वो घुघिया रहा है और वो उसको घुमा नहीं पा रहा, क्योंकि ये पावर कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इससे पटरा भी बनता है। तो अभी उनसे बात हुआ था, बोल रहे हैं कि ठीक है उसको ले आओ देख लेते हैं, अगर वो भी फील्ड आप जो दिए हैं बनने के लिए वो भी रेडी हो चुका है, जो भी लगेगा उसको उसमें बना के अपना इसको चालू कर देंगे, फिर अपना जो भी करना है करना। तो चलिए वो सब दिखेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आज की ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। मैंने कोशिश किया लेकिन अभी वो उसमें सफलता हासिल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत उसमें कमी हो नज़र आ रहा है आ उसको, लेकिन कैसे भी सक्सेस करके वो वाला काम करना है, क्योंकि नागांती जी के पलंग की सवाल है, वो भी राजा महाराजा वाला, कौन से कहते थे महाराजा पलंग। अच्छा चलिए वो सब बनेगा, कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही है, टुक टुक सलोबत्तीस, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।